दोस्तों, आज जो है हम लोग इंडक्शन कुकटॉप का E0 प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, सामने आप लोग देख पा रहे होंगे इंडक्शन कुकटॉप मैंने रखा हुआ है। सप्लाई वगैरह दे करके चेक करेंगे इसको पहले। तो देखिए, मैंने इसको सप्लाई दे दिया है, डिस्प्ले पे लाइट वगैरह आ चुका है। तो अभी इसको ऑन करेंगे और जो है फंक्शन बटन पे दबाएंगे। तो देख पा रहे होंगे फंक्शन बटन में मैंने दबाया, लेकिन इंडक्शन जो है तुरंत ही E0 का एरर जो है बता रहा है। इसका मतलब इंडक्शन जो है चल तो रहा है, लेकिन इसका बर्तन को जो है सेंस नहीं कर रहा है। तो इंडक्शन कुकटॉप में देखिए, ये एक कॉमन सा प्रॉब्लम है। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल में नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिए कृपया करके। और ये देखिए, मैं इंडक्शन को फटाफट से खोल दिया हूँ। एक चीज़ मैंने ध्यान में लगाया, देखिए जब मैंने इंडक्शन को सप्लाई दिया तो मुझे जो है इंडक्शन जब ऑन हुआ, फ़ैन का आवाज़ जो है मुझे सुनाई नहीं दिया। तो पहले ये देखिए, फ़ैन को मैं पहले चेंज कर दे रहा हूँ। तो पहले फ़ैन को चेंज करके एक बार देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी अगर फ़ैन ख़राब हो जाता है तो वैसे तो चलता है इंडक्शन, कुछ समय चलने के बाद बंद होता है, लेकिन कभी कभी जो है अगर फ़ैन जो है सही चलता है तो इंडक्शन भी ऑन नहीं हो पाता है। तो ये मैंने दूसरा फ़ैन जो है लगाया हूँ यहाँ पे। तो अभी इंडक्शन को फ़िलहाल एक बार जो है सप्लाई दे करके हम लोग चेक करके देखेंगे। तो ये कवर मैंने लगा दिया है। तो ये E0 का प्रॉब्लम जो है इंडक्शन में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसका कारण जो है एक ही चीज़ से हमेशा नहीं होता है। कई कई सारे चीज़ें हैं यहाँ पे इंडक्शन का अंदर जिससे जो है ये E0 का एरर जो है बताने लगता है। तो ये वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये मैंने इंडक्शन को सप्लाई दे दिया है, ऑन कर दिया हूँ। तो ये फंक्शन को मैंने सेलेक्ट कर दिया हूँ, और लेकिन इंडक्शन जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुआ, E0 का एरर फिर भी बता रहा है। और फ़ैन जो है फ़िलहाल अभी चलने लगा है, बहुत ही अच्छी तरह से जो है फ़ैन का आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा है। तो ये देखिए, मैं PCB को सॉरी कवर को मैं खोल दिया हूँ, ये PCB को उल्टा कर दिया हूँ। तो पहले देखिए, ये E0 का एरर अगर बता रहा है तो पहला चीज़ जो है ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पे साइड में देखिए कोयल के पास में 0.2 या 0.3 का कैपेसिटर एक लगा हुआ है, और बीच में वहाँ पे एक एसी सप्लाई को बूस्ट करने के लिए, जहाँ से मेन एसी सप्लाई इनपुट से आपका डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर में जो सप्लाई जाता है उसके बीच में जो है एक और जो है कैपेसिटर लगा हुआ है सप्लाई को बूस्ट करने के लिए। तो इसको भी चेक कर लीजिए। देखिए, इसको चेक कर सकते हैं, इसका एक तरीका है, लेकिन इसका जो रीडिंग है हम लोग चेक करेंगे वो बराबर नहीं बताएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप इस तरह से खोल करके जो है कैपेसिटर को देख लीजिए। अगर कैपेसिटर फटा फटा फुला है तो तुरंत ही चेंज कर दीजिए, इंडक्शन जो है E0 का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, मैं इसको खोल करके चेक कर रहा हूँ, तो इसमें जो है कोई फुला वुला नहीं है, कोई फटा वटा नहीं है, बिल्कुल सही है कैपेसिटर। तो इसको चेक करने का एक तरीका है दोस्तों, मैं एक वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। तो ये देखिए, मैं कैपेसिटर को सोल्डरिंग कर देंगे, कैपेसिटर मेरा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए, दो तीन चीज़ों के कारण जो है E0 का एरर बताने लगता है। तो कभी कभी अगर फाइनल में अगर प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपका IC का वजह से भी होता है कभी कभी। तो ये देखिए, यहाँ पे कोई कंपोनेंट्स फटा वटा भी नहीं है, और जो है इंडक्शन जो है IGBT भी ख़राब नहीं है, IGBT का वजह से भी जो है E0 का एरर बताने लगता है। तो IGBT अगर शॉर्ट होगा तो देखिए, मैं IGBT को चेक करने का कोशिश कर रहा हूँ, IGBT जो है मेरा बिल्कुल सही है। और IGBT अगर शॉर्ट होगा तो आप जैसे ही सीरीज में इसको लगाएंगे आपका बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे मैंने सीरीज में भी लगा करके चेक किया, लेकिन बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा है। तो देखिए, हम लोग बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप जो है चेक करेंगे। तो IGBT भी बिल्कुल सही है, IGBT को भी मैंने चेक किया, IGBT भी बिल्कुल सही है। तो ये देखिए, मैं फ़ैन का जेग में एक बार चेक कर रहा हूँ, 18 वोल्ट मुझे बराबर मिल रहा है, यहाँ पे 19 वोल्ट मिल रहा है। और देखिए, यहाँ पे जो 820 ओम्स का कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे भी जो है आउटपुट मुझे बिल्कुल सही बता रहा है। इसको खोल करके भी मैंने चेक किया,
24 ओम्स मुझे बिल्कुल सही बता रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर का वजह से भी कई बार जो है E0 का एरर बटाने लगता है। जो ये देखिए दोनों एसी सप्लाई का जेक जो यहाँ लगा हुआ है, उसके बीच में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसका साइड में देखिए आप, दो कैपेसिटर जो है सेम नंबर का लगा हुआ है, बड़ा वाला सॉरी रेसिस्टेंट लगा हुआ है 820 ओम्स का। तो ये अगर ख़राब हो जाएगा तो भी जो है आपका E0 का एरर बताने लगेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक दो रेसिस्टेंट ट्रैक में चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो दो रेसिस्टेंट बड़ा बड़ा लगा हुआ है 820 ओम्स का, उसका सेम ट्रैक में जो है आप चेक करते जाइएगा। तो ये देखिए मैं इसके ट्रैक में एक दो रेसिस्टेंट को चेक कर रहा हूँ, लेकिन रेसिस्टेंट मेरा बिल्कुल सही है, कोई भी रेसिस्टेंट मुझे शॉर्ट नहीं बता रहा है। तो IC को तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इस तरफ में हम लोग देख लेंगे कहीं कोई कंपोनेंट्स वगैरह ख़राब तो नहीं है, उसके बाद ही हम लोग जो है IC को जो है अगर स्पेयर में है तो चेंज करके देखेंगे। तो देखिए ये कैपेसिटर जो मैंने बताया 820 ओम्स का, और ये एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, ये देखिए ये जो कैपेसिटर वगैरह कोयल वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, इसका सोल्डरिंग भी एक बार देख लीजिएगा, अगर कभी कभी डिसोल्डर हो जाता है तो इस तरह का प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लगता है। तो ये देखिए ये IGBT मुझे कुछ अजीब लग रहा है, तो इसको ये अंदर से मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए IGBT जो है इंडक्शन जो है शायद किसी ने इसको रिपेयर किया है। तो ये देखिए मैं IGBT को खोल करके IGBT के हालत में आप लोग को दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा इसमें जो है IGBT इस तरह से लगा हुआ है तो प्रॉब्लम मेरा इसमें ही इस तरह का IGBT की वजह से E0 का एरर बता रहा होगा, ऐसा ऐसा नहीं है। देखिए IGBT को आप देख पा रहे होंगे, इसका लेग जो है PCB में जो है लगा हुआ नहीं है, इसका लेग में देखिए छोटा छोटा तीन जो है पतली सी तार से जो है ज्वाइन करके इसको पीछे में PCB में सोल्डरिंग करके रखा हुआ है। तो देखिए PCB IGBT का हालत आप लोग देख पा रहे होंगे। तो IGBT देखिए मैं इस तरह से एक बार रीडिंग को चेक करने की कोशिश करता हूँ, और IGBT अगर जब भी चेक करेंगे कंटिन्यूटी मोड में रखिएगा मीटर को, और जो है आप बारी बारी से बीच में जो है आप ब्लैक प्रोब को रखिए, और दोनों साइड साइड का लेग में जो है पॉजिटिव प्रोब से आप चेक करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ में आपका सिग्नल बताएगा, रीडिंग बताएगा, बीप नहीं बताएगा। तो ये देखिए मुझे दोनों तरफ में जो है कुछ ना कुछ रीडिंग शो कर रहा है। तो इस तरह से कभी कभी PCB में होने की वजह से भी इस तरह से रीडिंग बताता है, और अगर बीप दे रहा है तो तुरंत ही आप IGBT को चेंज कर दीजिए, बीप दे रहा है तो IGBT शॉर्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो सेंसर लगा हुआ है इसको भी एक बार चेक कर लेंगे, ये भी बिल्कुल सही है, रीडिंग बता रहा है जिंदर डायोड जो यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये देखिए मैं एक काम करेंगे IGBT को जो है निकाल करके बाहर चेक करेंगे इसका। तो इस तरह से अगर रीडिंग बता रहा है, कभी कभी PCB में जो है सही रीडिंग आपको मिल नहीं पाता है, आपको भला या इसी में है कि आप जो है PCB से बाहर निकाल करके ही चेक करिए, सिर्फ IGBT का नहीं है जो भी कंपोनेंट्स है। और जो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ E0 का एरर का बारे में, आप यही सारी चीज़ों को अगर चेक करेंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो ये IGBT मैंने निकाल दिया है, तो IGBT का हालत आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हो सकता है ये तारों की वजह से जो है सिग्नल बराबर मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि इंडक्शन जैसे ही हम लोग सॉरी देखिए एक बार अभी बाहर निकाल दिया हूँ मैं, रीडिंग को एक बार चेक करेंगे IGBT को। ये देखिए एक तरफ पे नहीं बता रहा है, एक तरफ से बता रहा है, प्रोब को चेंज करके भी एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए IGBT बिल्कुल सही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है IGBT, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए IGBT जब इंडक्शन जब ऑन होता है तो सप्लाई को बूस्ट करने लगता है, IGBT जितना एम्पियर इसको झेलना चाहिए जो सप्लाई जो है बढ़ने लगता है, बूस्ट होने लगता है। तो ये तार जो यहाँ पे बांध करके रखा है इस तरह से जो है लूज, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देंगे। तो देखिए मैं तीनों तारों को, IGBT बिल्कुल सही है, इसके लिए मैंने चेंज नहीं किया।
तो ये तीनों तारों को मैंने अच्छी तरह से इनका लेक में जो है सोल्डिंग कर दिया हूँ। अभी IGBT को लगा करके एक बार चेक करेंगे। तो IGBT अगर रीडिंग जो है इस तरह से दोनों तरफ में बता रहा है, अगर बीप दे रहा है तो आप तुरंत ही चेंज कर दीजिए। अगर बीप नहीं दे रहा है और रीडिंग जो है दोनों तरफ से बता रहा है तो आप खोल करके एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद अगर दोनों तरफ में रीडिंग अगर शो कर रहा है तो IGBT को चेंज कर दीजिए। तुरंत ही जो है आपका E0 का एरर जो है दूर हो जाएगा। और निकालने के बाद अगर जो है रीडिंग जो है दोनों तरफ में अगर नहीं बता रहा है तो IGBT बिल्कुल सही है। आप इसको लगा करके जो है बाकी ट्रैक में जो है आप चेक कर सकते हो, क्योंकि E0 का एरर मेन कारण होता है ये जो कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है इसका वजह से ही होता है। और एक दो कारण है, ये जो IGBT जो है शॉर्ट नहीं होता है लेकिन एक तरफ से ओपन हो जाता है तो तब भी जो है E0 का एरर बताने लगता है। और जो 820 ओम्स का मैंने रेसिस्टेंट आपको आप लोग को भी बताया, यही दो रेसिस्टेंट को भी एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद ये दोनों रेसिस्टेंट का ट्रैक में आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक दो रेसिस्टेंट मिलेगा उसको भी चेक कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये तीन चार चीज़ों में ही प्रॉब्लम होता है E0 का एरर। अगर फाइनली अगर ये सबसे भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपका IC का प्रॉब्लम है, IC को आप चेंज करके चेक कर सकते हो। और ये जो IGBT है इसको जब भी लगाएंगे हीट सिंक पे ज़रूर लगाइएगा। और ये जो स्क्रू यहाँ पे हीट सिंक के साथ लगा हुआ है इसको अच्छी तरह से सही तरह से जो है टाइट करके लगाइएगा, इसको लूज़ मत रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे पेस वगैरह लगा दिया है, ये स्क्रू को मैंने अभी टाइट कर देंगे। टाइट करके एक बार जो है IGBT को सॉल्डरिंग करके एक बार चेक करके देखेंगे। तो देखिए अगर आप ध्यान से जो है अगर नहीं देखोगे तो आप पता नहीं चलेगा। तो मैंने ध्यान से देखा तो ये चीज़ मुझे दिखाई दिया। तो मैंने देखिए सोल्डरिंग कर दिया हूँ मैं IGBT को। अभी इसमें जो है एक बार पिन वगैरह लगा करके एक बार जो है इंडक्शन को बंद करके एक बार चेक करेंगे। और ये कोयल का जो कनेक्शन है इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें कहीं रस वगैरह तो पड़ा नहीं है, इसको भी एक बार जो है खोल करके चेक कर लेना चाहिए। और एक और चीज़ का बताना मैं भूल गया, ये सेंसर जो कोयल का बीच में लगा हुआ है इसका वजह से भी E0 का एरर बताने लगता है, लेकिन बहुत ही कम जो है ये सेंसर ख़राब होता है। ये सेंसर ना का बराबर ही ख़राब होता है, ये इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो ये मैंने कवर वगैरह लगा दिया है, प्लेट भी रख दिया है मेरा, और अभी इसको देखिए सप्लाई भी दे दिया हूँ, ऑन भी कर दिया हूँ मैं। और अच्छी बात ये है कि देखिए इंडक्शन जो है गर्म होने लगा है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए।